मैं देखना चाहूंगा टीम एक्स पार्क अब जोन के अंदर एंट्री कैसे लेंगे। चुनौती वो भी उनको एजेस पे मिलने वाली है। करण उन्होंने स्पॉट किया है पुकार को, राइट पिक लिया फिर लेफ्ट पिक लिया, बट ये फ्लैग भी सारंग के पास जाएगा। पूरी की पूरी अगर 4 AM को देखा जाए सारंग ही पीछे पड़े हुए थे उनके लिए। टीम एक्स पार्क का सामना उनको करना पड़ेगा। उनके पास पोजीशन पॉइंट शायद उनको ना मिले, बट पीछे से भी स्प्रे आएगा, थोड़ा बचना पड़ेगा टीम एक्स पार्क के प्लेयर्स को। ड्रीम्स की बात करें, वीकल लेके आएंगे सैफ, बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी, एक और बुलेट का कनेक्शन और ये ग्रेनेड। सारंग, आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी, ऑलरेडी ये खिलाड़ी 5 finishes निकाल चुका है, 6th finish के लिए बचता हुआ, बट बेग बदर इंपोर्ट उनके लिए मुश्किल बनेगी क्योंकि बाकी वो उनके सामने मौजूद है, बट ड्रीम वहां पे आएंगे, वो वीकल से डाउन करेंगे टीम एक्स पार्क। वो यहां पर लाइटनिंग बन के छाते हुए और बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स का एलिमिनेशन, द टीम ऑन द टॉप ऑफ द टेबल इज डन एंड डस्टेड फॉर दिस मैच। बट अभी फाइट खत्म हुई नहीं है, मिडवे के आतंकी उनके सामने गॉड्स की चुनौती, मिडवे वर्सेस गॉड्स, दो प्रतिभाशाली टीम्स के बीच में एक अच्छा टसल। इट इज अ 4 vs 4 प्योर बैटल। रॉबिन एचपी काफी ज्यादा गवाई, डायनासोर्स को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। एक्विनॉक्स के पीछे नौ बजे देखना चाहूंगा क्या होता है, बट अदर से टेक वन डाउन, निंजा जॉय टेक ड्रीम्स आउट, बट डायनासोर्स नॉक डाउन को भी करा जाएगा। एक थ्री वे बैटल बन चुका है ये प्लेग्राउंड। गॉड्स रेन सैंडविच सिचुएशन में आ चुकी है और ऐसे में उनका एलिमिनेट होना यहाँ पे लगभग तय हो सकता है। कुछ अच्छे ग्रेनेड और मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं। पुकार एक ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट किया, बट निंजा जॉट का वो ग्रेनेड पुकार को डाउन किया जाएगा। अभी भी गॉड्स रेन इज समहाउ सर्वाइविंग, उनको यहाँ पे स्मोक करने की जरूरत पड़ सकती है, बट उससे पहले सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। एक खिलाड़ी एक व्हीकल, तीन प्लेयर जा रहे हैं वहां पे, निंजा जॉट को डाउन किया गया। वहीं दूसरी तरफ मिड वेव मुश्किलें उनकी भी बढ़ेंगी, बट गॉड्स रेन वो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। टीम एक्स पार्क शायद एक बार फिर से वो हिस्ट्री को रिपीट करें। कोई तो रोक लो सारंग को, वो नहीं रुक रहे आज के दिन में। सारंग इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट मिडवे वी स्पोर्ट्स अब जोन के अंदर टोन को भी जाना है और रास्ता उनका भी सेम, वो भी जाना चाहते हैं। वहीं पे ड्रीम्स नॉक करेंगे, विक्की को गाड़ी पे डैमेज काफी ज्यादा पड़ता हुआ। मिडवे के 2 players बचे और दोनों प्लेयर्स जोन के अंदर जाना चाहते हैं। मीनवाइल MSCI स्पोर्ट्स उनका भी खात्मा चढ़े मैदान पे। मिडवेव को जाना पड़ेगा अब यहाँ पे सर्कल के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी हमें नाइट आउट्स की स्क्वाड देखने को मिल रही है। टीम मेडल जो कि ईस्टर्न साइड पे मौजूद थे उनको कोई कॉन्टेस्ट करने के लिए आए नहीं और वो सेफली अपनी पोजीशन पे मौजूद है। बस टीम एक्स पार्क उन हाइट के बेहतर एडवांटेज से वो नाइट आउट्स की मुश्किलें बढ़ाएंगे। मिडवेव वो भी उनके ऊपर शॉट देंगे, नाइट आउट्स बिल्कुल सेंटर में और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहने वाले हैं। नॉक कोई निकाल रहा है, फिनिश कोई निकाल रहा है, बट टीम एक्स पार्क के पुकार वो हाइट का एडवांटेज उनके पास मौजूद रहेगा और अब मिडवेव का बच पाना बहुत मुश्किल। 12 finishes ऑलरेडी टीम एक्स पार्क के पास मौजूद रहेंगे, जहां पे सारंग 7 के साथ। रीम्स को रिवाइव करना जरूरी, रीम्स को रिवाइवल मिल भी जाएगा। रोटेशन उनकी आदित्य का एक बॉलर टॉप को शिकार वो भी यहां पे करते नजर आएंगे। टीम एक्स पार्क राइट नाउ इज जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट, बट अभी काम खत्म हुआ नहीं है। 14 frags उनके पास है। पुकार स्पॉट किया एक और प्लेयर को, जोन के अंदर जाना है तो वो जगह काफी अच्छी, बट एट द सेम टाइम आंकी मेडल ईस्पोर्ट्स उनकी भी वापसी। मात्र 24 अंक का डिफरेंस था पहले और चौथे पायदान के बीच में, जहां पे टीम एक्स पार्क मौजूद है। ऑलरेडी बहुत बेहतर खेल रहे हैं, उनका बच पाना बहुत मुश्किल। फेल जाएंगे पुकार की ये दहाड़े और इस दहाड़ के सामने नाइट आउल्स वो पूरी तरीके से धराशाही होते हुए। टीम एक्स पार्क दे आर मूविंग अहेड, दे आर मूविंग फॉर द चिकन डिनर, दे आर मूविंग अहेड फॉर द विक्ट्री, बट अपोलो वो पुकार को डाउन करेंगे। अब सारंग को सर्कल के अंदर आना है, एक बढ़िया जो ऑफ गार्ड एंगल है वो सारंग के पास मौजूद, उनके पास वो हाइट का एडवांटेज है, बट मेडल उनके पास रहेगी और सारंग वो एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे और यहाँ पर टीम एक्स पार्क 16 finishes के साथ चिकन डिनर के प्रबल दावेदार। बट अभी भी मेडल ईस्पोर्ट्स वहाँ पे हैं, मेडल ईस्पोर्ट्स के पास 2 players यहाँ पे शेष हैं। केयोया ने बेहतर खेला है, 5 frags उनके पास है, बट इनको और क्या ये रिवाइवल पॉसिबल होगा। टीम एक्स पार्क उनके पास केवल 2 players अभी के लिए बचे हुए, दोनों प्लेयर जोन के जरा से एच पे देखने को मिलते हैं। इट्स ऑल अबाउट दिस रिवाइवल, इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स गेम एडवांटेज, इट्स ऑल अबाउट कि अगला नॉक कौन निकालेगा। द क्राउड हैज इरप्टेड, इट्स ऑल वी टू की सिचुएशन है। क्योया की बात करें वो ऑलरेडी 7 finishes निकाल चुके हैं। जोन का श्रिंक आने वाला है, टीम एक्स पार्क को सर्कल के अंदर जाना है। टीम मेडल की बात करें उनको भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे में एक नॉक ग्रेनेड वहां पे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये ग्रेनेड कनेक्शन बना पाएंगे वो एक देखने वाली बात रहेगी। चलिए डैमेज आया, पैराडॉक्स गोस डाउन, इट्स अ इवन स्टीवन सिचुएशन नाउ, इट्स अ 2v2, वहां पे पैराडॉक्स को खत्म भी किया जाएगा। बट अब टीम एक्स पार्क को एक्स पार्क के चिकन निकालती है। अगर टीम एक्स पार्क के चिकन निकालती है तो पहला पायदान टीम एक्स पार्क के पास जाने वाला है। दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर देम। जोन का जो श्रिंक है वो आने वाला है, डैमेज बहुत ज्यादा आएगा। ड्रीम गोस डाउन, चोया वो एक इंपॉर्टेंट नॉक निकालेंगे और अब आदित्य के कंधे पे सारी जिम्मेदारी। ब्लू जोन का डैमेज, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल फॉर आदित्य टू डील विद दिस, उनको टेक डाउन किया जाएगा। टीम मेडल ये पहला पायदान लेकर के जाते हुए